क्या सच में भगवान परशुराम हरा सकते थे भगवान श्री कृष्ण को? आखिर कौन था भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण में सबसे अधिक शक्तिशाली? दोनों ही अवतार श्री कृष्ण अवतार और परशुराम अवतार भगवान विष्णु के ही हैं। तो कौन अधिक शक्तिशाली भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण में? दोनों ही भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार थे और दोनों ही अलग अलग युगों में अवतरित हुए थे। आज हम बताएंगे आपको इन दोनों ही नारायण के अवतारों में कुछ ऐसे अंतर भी थे जो शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे, और कुछ ऐसी भी सामान्यताएं थीं शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी होंगी। तो आज हम जानेंगे नारायण के छठवें अवतार भगवान परशुराम और आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण में क्या सामान्यताएं थीं और क्या भिन्नताएं थीं और दोनों में कौन था सबसे अधिक शक्तिशाली। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण में कौन था सबसे अधिक शक्तिशाली। सतयुग से अस्तित्व में रहने वाले भगवान परशुराम या द्वापर युग में देवकी नंद कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण के इन दोनों अवतारों में अंतर बताने से पहले समझते हैं कि इन दोनों लोगों का जन्म किस प्रकार हुआ था। दरअसल भगवान परशुराम जी के जन्म की कथा कुछ इस तरह से है कि सतयुग के अंतिम दिनों में एक चक्रवर्ती राजा थे महाराज गधी। महाराज गधी की एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह उस समय के तेजस्वी ऋषि सृचिक से हुआ था। महाराज गधी को अपने उत्तराधिकारी के लिए एक तेजवान पुत्र की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने सृचिक से पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाने की बात कही। उधर दूसरी ओर ऋषि सृचिक भी अपने वंश की परंपरा के अनुसार जगदम्बे के बाद एक महान श्रेष्ठ ऋषि चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यज्ञ किया। उसके प्रभाव से दो खीर के पात्र निकले। उन्होंने एक कटोरा अपनी सास को खाने के लिए दे दिया, वही दूसरा कटोरा अपनी बहू को दे दिया। लेकिन बाद में खीर का कटोरा बदल गया। जो ब्राह्मण प्रभावशाली खीर का कटोरा था उसे महाराज गधी की पत्नी ने खा लिया और क्षत्रिय प्रभाव वाली खीर रेणुका को मिली, जिससे आगे चलकर रेणुका को चौथे पुत्र के रूप में भगवान परशुराम जी मिले, जो जन्म से ब्राह्मण और गुणों से क्षत्रिय बने। वहीं भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो द्वापर युग में यदुवंशी राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके बेटे कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव यदुवंशी से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, एक कंस, जिस बहन को तू इतनी खुशी से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है उसी की आठवीं संतान ही तेरा काल होगी। फिर क्या था, आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव ने अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगाई और यह कहा कि तुम देवकी को छोड़ दो, हमारी जो भी संतान होगी हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर इस तरह से एक एक करके जन्म लेते हुए बच्चों को मारता रहा। फिर स्वयं भगवान विष्णु के आठवें अवतार बच्चे के रूप में कृष्ण अवतार लिया। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम में क्या अंतर था। भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन वह अलग अलग काल की एकत्रित शक्ति को माने तो परशुराम जी अंश अवतार हैं, जो नौ कलाओं से सर्वश्रेष्ठ अवतार माने गए हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ अवतार लिया था, 16 कलाओं से निपुण थे और 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार माना जाता है। अवतारों में भगवान श्री कृष्ण से ही यह सारी कलाएं प्रकटित हुई हैं।
वहीं भगवान परशुराम का जन्म सतयुग में हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में। परशुराम जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और कलयुग में भी मौजूद हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत तक ही अपनी लीलाओं को पूर्ण कर लिया था और जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा तब कलयुग का आरंभ हो गया था। वहीं दोनों के स्वभाव में भारी अंतर है। परशुराम जी उग्र स्वभाव के हैं तो वहीं भगवान श्री कृष्ण मनमोहक चित्र हरने वाले स्वरूप के अवतार हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय कुल में अवतार लिया। जन्म लेते ही इन्हें अपने माता पिता को त्यागना पड़ा, जबकि परशुराम जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया और उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी भी उनके पिता ने ही ली। और वहीं यह भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र जो कि सुदर्शन चक्र था, जो उन्हें भगवान परशुराम जी ने स्वयं दिया था, लेकिन भगवान परशुराम जी का फरसा स्वयं भगवान शिव से उन्हें प्राप्त हुआ था। चलिए अब यह जानते हैं कि इन दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन था और इन दोनों लोगों के पास कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन से दिव्य अस्त्र थे। तो अगर भगवान परशुराम जी की बात की जाए तो उनका मुख्य अस्त्र था उनका फरसा, और फरसा उन्हें महादेव की घोर तपस्या के फल स्वरूप मिला था। और साथ ही भगवान शिव ने परशुराम जी को देवताओं के सभी शत्रु राक्षस असुर दानवों को मारने में निपुण होने का वरदान दिया था और उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे, ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, पशुपता अस्त्र, ब्रह्मदंड अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, और इन अस्त्रों के साथ देवताओं के कई दिव्य अस्त्र मौजूद थे। यहाँ तक कि महादेव का विजय धनुष भी स्वयं परशुराम जी के पास था। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान परशुराम कितने शक्तिशाली थे। उनके 3 शिष्य थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्य पुत्र महारथी कर्ण, जो तीनों ही सर्व शक्तिशाली कहे जाते हैं। वहीं अगर भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र शस्त्रों और शक्तियों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसके अलावा उनके पास 16 कलाओं की शक्तियां मौजूद थीं। वह बहुत बड़े लीलाधर थे जिन्होंने अपनी बुद्धि से महाभारत युद्ध में पांडवों को जीत दिलाई थी, वह भी बिना अस्त्र उठाए। इसके अलावा उनका मुख्य अस्त्र उनका सुदर्शन चक्र माना जाता है और साथ ही साथ उनके पास सरंग धनुष और कमोद की गदा थी। और इसके अलावा ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितनी भी शक्तियां थीं, वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास मौजूद थी। अब हमने शक्तियों की बात कर ही ली है तो चलिए जान लेते हैं कि इन दो महायोद्धाओं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। भगवान परशुराम की अगर बात की जाए तो उन्होंने सहस्त्र बाहु अर्जुन से लेकर कई सारे योद्धाओं से युद्ध किया था। इन्होंने ही 21 बार धरती को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि भगवान परशुराम ने स्वयं एक बार अपने गुरु महादेव से युद्ध किया था, उन्हें प्रसन्न किया, और तो और पितामह भीष्म के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था, जो कि उनके ही शिष्य थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, और इसीलिए इस युद्ध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। स्वयं महादेव को बीच में आकर इस युद्ध को रोकना पड़ा था। और कहते हैं कि इन्होंने एक बार भगवान गणेश जी के साथ भी युद्ध किया था, जहां पर इन्होंने अपने एक फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद से गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। यहाँ तक कि हनुमान जी जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा से भी परशुराम जी ने युद्ध किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो उन्होंने अपने बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक कंस के भेजे हुए ना जाने कितने राक्षसों के साथ युद्ध किया था, और उसके बाद उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। उसके बाद कई सारे धूर्त राजाओं के साथ युद्ध कर उनका अंत किया था। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संतपनि से युद्ध की शिक्षा और दीक्षा ली थी और अपने नीति कौशल से उन्होंने जरासंध और काल्यवन जैसे कई सारे राक्षसों को मरवाया था, और उसके बाद महाभारत में पांडवों की ओर से लड़े और वह भी बिना अस्त्र उठाए उन्हें जीत भी दिलाई थी।
तो दोस्तों अब यह सवाल सबके सामने आ जाता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो इस सवाल का जवाब देना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही भगवान नारायण के अवतार हैं। और अगर भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण का मुकाबला होता तो भी भगवान परशुराम शक्तिशाली होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण को परास्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही विश्व रूपी कहे जाते हैं, तो उन्हें युद्ध में सीधी तौर पर परास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, और उन्हें प्रसन्न परशुराम जी ही कर सकते थे, और वह भी उनसे युद्ध लड़कर और उन्हें कड़ी टक्कर देकर। दोनों भगवानों में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं है और अपने विष्णु रूप में वैकुंठ लोक में आराम से विद्यमान हैं और पूरी पृथ्वी और पूरे संसार का संचालन कर रहे हैं। लेकिन भागवत गीता द्वारा इन्होंने हमें ज्ञान दिया जो आज भी मनुष्यों का उद्धार करता है। वही भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी हैं, और कहा जाता है कि वह महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हुए भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कलि पुरुष का अंत करने के लिए वह स्वयं भगवान कल्कि को शिक्षा और दीक्षा देंगे। इन दोनों नारायण के शक्तिशाली अवतारों में से एक अवतार को आपको चुनने का मौका मिले तो किसे चुनेंगे?